सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी जो है शाम का टाइम है और गाइस आप लोग जो है पीछे देख के सोच रहे होंगे कि भाई शाम का टाइम हो चुका है फिर भी कबूतर जाल के अंदर क्यों नहीं खुले हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई एक दो दिन से मौसम थोड़ा सा ख़राब था, रात में भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है और अभी थोड़े टाइम पहले भी बारिश हुआ है। पानी होने से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और गाइस जाल के अंदर चेक करो भाई, रात में जो है इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि पूरा खुद से ही सफाई हो गया है, एकदम साफ। नहीं तो गाइस क्या होता था कि हम लोग पतरा से कितना भी पतरा या झाड़ू से हम लोग साफ करते थे, जो बीट का दाग रहता था वो तो रहता ही था, बट बारिश इतना ज़्यादा तेज हुआ था कि भाई पूरा का पूरा रात भर में एकदम साफ हो चुका था। और सुबह के टाइम पे हालांकि मैंने झाड़ू से मारा था, जो पंख वंख था उसको मैंने उठा लिया था, ठीक है, लेकिन भाई पूरा बारिश से एक तरीके से साफ हो चुका है और देखने में भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? मस्त लग रहा है भाई, बिना मेहनत के पूरा चकचका गया है। बारिश का यही तो फायदा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे जो है शाम हो चुका है और सुबह के टाइम पे भी अपने कबूतरों को आज दाना नहीं मिला है, क्योंकि भाई सुबह के टाइम पे भी बारिश हो रहा था तो भाई कबूतर भूखे होंगे। तो जल्दी से ये सबको मैं उठाता हूँ और अपने कबूतरों को बाहर निकालता हूँ। जितने भी अपने जोड़े वाले कबूतर है ये और ये पेटी में, पर्दा उठा ले भाई, और जो अपने सिंगल कबूतर है वो जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो ये देखो, पर्दा को जो है कुछ इस टाइप से हम लोग फोल्ड करके ऊपर कर देते हैं। और गाइस चाहे कितना भी ज़्यादा बारिश हो जाए, अपने सभी के सभी कबूतर इस टाइम में बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई भी कबूतर बिल्कुल भी गीला नहीं होता है, ठीक है। अभी बाहर निकलेंगे तो आप लोग को खुद कबूतरों की कंडीशन पता चल जाएगा। ये चेक करो गाइस, जो अपने जोड़े वाले कबूतर है वो यहाँ पे हैं, बिल्कुल सही सलामत। तो चलो भाई आ जाओ, चल भाई आ जाओ बाहर, हम लोग भी आ जाते हैं। अभी गाइस अपने सभी के सभी कबूतर जो है आराम से बाहर आ जाएंगे। आओ आओ आओ, और गाइस इतने दिन से जो है मौसम बिल्कुल सही था लेकिन रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और लेकिन शाम को चलो मौसम थोड़ा ठीक हो गया है तो ये अच्छी बात है। सुबह के टाइम पे अपने कबूतर दाना पानी नहीं किए हुए हैं लेकिन ये टाइम पे प्रॉपर ये लोग दाना पानी कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, और गाइस ये चेक करो, ये जो है वही लाल आंख में जो पट्टा हम लोगों ने पकड़ा था ये वही है जिसका पर हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले खोला था। अभी जो है ये धीमे धीमे उड़ना भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये चेक करो भाई, और गाइस आप सभी को याद होगा इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि भाई हम लोग बूटॉक्स लेके आ चुके हैं। अपने कबूतरों के अंदर जो लीक्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इनके पर में चिपके होते हैं, वह भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो अपने कबूतरों को बूटॉक्स से वॉश करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और जिस दिन मैं बूटॉक्स लेके आया था उस दिन भी जो है मौसम ख़राब था, बारिश चालू हो गया था, उस दिन भी मैं वॉश नहीं कर पाया था। गाइस आज भी जो है इन लोगों को बूटॉक्स से मैं वॉश नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जैसा कि बताया कि भाई सुबह से ही बारिश चालू था, अभी थोड़े टाइम पहले ही बंद हुआ है। और गाइस ये चेक करो भाई, यहाँ पे है रबड़ का रिंग ब्लैक कलर में। आप सभी को याद होगा जो हमारा पहला वाला किंग कबूतर है उसके पैरों में हम लोग ब्लैक कलर का रिंग लगाए हुए हैं। फिलहाल में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो अपने किंग कबूतर का जोड़ा है उसके पैरों में भी हम लोग यही वाला रिंग डाल दें, ठीक है। दो कबूतर है और यहाँ पे अपने पास चार रिंग भी रखा हुआ है, और ये रिंग से कोई भी अपने कबूतर को दिक्कत नहीं है। जो हमारा पुराना वाला किंग कबूतर है उसके पैरों में भी हम लोगों ने लगाया हुआ है, वो चेक करो, यहाँ पे खुटक रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा भाई, क्योंकि गाइस ये जो है रबड़ का रिंग होता है कबूतर के पैर में जो है एकदम आराम से सेट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो कैसा लगेगा भाई ब्लैक कलर का रिंग? लगेगा वो पूरा वाइट और रिंग ब्लैक। ये देखो गाइस, ये रही फीमेल, ये आ गई, और ये रहा मेल, क्योंकि कबूतर जो है पूरे फुल वाइट है और इनके पैरों में हम लोग जो है ये ब्लैक कलर के रिंग लगा देंगे तो और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो भाई एक काम कर, मेल को पकड़ ले। ये देखो गाइस कितने मस्त ये लोग मस्ती मारते हैं तो लगते हैं भाई, एक दो हाथ में भी नहीं आ रहा है। गाइस साइज चेक करो भाई, साइज देखो इसका, ये देखो इसके पूरे हाथ में भी कबूतर नहीं आ रहा है, पीछे से पकड़ा है उसके बाद दो हाथ लगाऊंगा तब जाके आएगा। तो गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा कबूतर है। वैसे तो आप लोगों ने ये कबूतर का शौक किया ही हुआ है, ठीक है, जो हमारा वाइट किंग है इसका बहुत बड़े साइज में है भाई ये कबूतर। वीडियो में उतना नहीं पता चलता है लेकिन जब आप सामने से देखोगे ना तो इसकी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो एक काम करते हैं इसको वो पहनाते हैं भाई, भी इसका इतना ज्यादा आता है या नहीं आएगा जी? इसका पैर तो वो वाले किंग से भी बड़ा है। हाँ वही तो बोला। तो गाइस
ऐसे नहीं होगा, एक जन को उसको प्रॉपर पकड़ के रखना पड़ेगा और एक को पहनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं फ़ोन को जो है यहाँ पे रख देता हूँ भाई। सो गाइस ये चेक करो भाई, अभी जो है इसके पैर में आराम से ये रबड़ वाला रिंग हम लोगों ने लगा दिया है और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि टाइट हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये रबड़ का रिंग है, इसको हम लोग फैला सकते हैं। तो इसके पैर में लगाने से पहले हम लोगों ने फैला दिया है और अभी जो है ये बिल्कुल सही है। तो थोड़ा भाई इसको ऐसे पकड़, ये देखो गाइस भाई एक हाथ में तो ये अच्छे से आता भी नहीं। ये देखो ये है इसके पैरों में रिंग, चल जा भाई। ये चेक करो गाइस, अभी ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो। और गाइस अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पैरों में रबड़ वाला रिंग पहना है, तो थोड़ा बहुत इसको अलग सा लगेगा कि भाई ये क्या आ गया है पैरों में। जैसे कि हमारे पुराने वाले कबूतर को भी एक दो दिन ऐसा हुआ था, वो जो है बार बार अपना पैर उठा रहा था, लेकिन दो तीन दिन के बाद बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी फिलहाल में कोई ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है। सो गाइस अभी जो है हम लोगों ने फीमेल को भी पकड़ लिया, लेकिन फीमेल जो है इस समय पर अंडे पे है, तो थोड़ा सा इसको आराम से हम लोग को पकड़ के ये रिंग पहनाना होगा। तो चलो इसको भी जल्दी से हम लोग ये रिंग पहना देते हैं, उसके बाद इसको भी छोड़ेंगे। एंड गाइस कबूतर को हम लोग ये रबड़ वाला रिंग पहनाने से पहले थोड़ा इसको खींच के स्टार्टिंग में हम लोग चौड़ा कर दे रहे हैं, जिससे कि भाई पैर में जाने के बाद भी कबूतर को कोई भी दिक्कत ना हो। जो हमारे नॉर्मल कबूतर हैं उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये साइज भी जो है वो लोग के पैर में एकदम आराम से चली जाती है, लेकिन ये जो हमारे किंग कबूतर हैं इनका पैर थोड़ा मोटे मोटे हैं, इसलिए इनके पैरों में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए भाई इनको पहनाने से पहले थोड़ा हम लोग ये रिंग को ऐसे खींच के फैला लेते हैं। सो गाइस अभी चेक करो, जो फीमेल है इसके भी पैरों में हम लोगों ने ये ब्लैक वाला रिंग लगा दिया है। ये देखो भाई ये है फीमेल, दिखा भाई, ये देखो। सो गाइस चलो इसको भी छोड़ देते हैं फिलहाल में आराम से। ये देखो गाइस अभी जो है ये फीमेल कैसी लग रही है, इसका मेल कहाँ गया भाई, अंदर फीमेल ढूंढ रहे हैं। वो देखो मेल जो है अंदर है, अभी जो है हम लोगों ने फीमेल छोड़ दिया तो खुद का खुद फीमेल के पास में आ जाएगा। वो आ रहा, ये आ रहा है, ये आ गया भाई। अभी देखो गाइस ये दोनों को देखने में जो है कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, दोनों के दोनों कबूतर जो है फुल वाइट और इनके दोनों ही पैरों में ब्लैक रबड़ वाला रिंग, ये देखो बहुत ही प्यारे लग रहे भाई। कैसा लग रहा है भाई देखने में, एकदम मस्त। इससे अपने को दो चीज का फायदा होगा, हाँ, एक तो नजर भी नहीं लगेगी और ऊपर से दिखने में भी बहुत मस्त लगेंगे, क्योंकि कोई भी आता था तो क्या बोलता था, बड़े भाई बहुत मोटे मोटे है किंग तो। ये देख ये भी आ गया, कैसा लग रहा है, देख इसके पैरों में रिंग डाल दिया, बढ़िया दिख रहा है, अच्छा नजर तो नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा नजर, कोई भी आता था बोलता था भाई बहुत मोटे मोटे दिख रहे भाई ये लोग, अब क्या करे भाई उसकी ब्रीड वैसी है तो। सो गाइस क्या था कि हमारे छत पे कोई भी आता था और कोई भी देखता था ना अपने किंग कबूतर को तो यही बोलता था भाई ये कितने हट्टे कट्टे कबूतर है, कितने ज़्यादा मोटे मोटे कबूतर है। तो जो भी रहता था, नितिन रहता था चाहे ये भी ये रहता था, ये बोलता था भाई उसके पैर में कुछ काला धागा बांध ये लोग नज़र लगा देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे मजाक करते थे। तो वही ये बोल रहा है कि भाई अभी सही है, तो अभी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अभी ये देखने में कैसे लग रहे हैं। भाई एक काम कर, जा नीचे से दाना लेके आ, तो पकड़। और गाइस यहाँ पे है हम लोगों का पिलाकड़ा कबूतर, जिसको हम लोगों ने डी मार्ट के पास में छोड़ा था, ठीक है। ये देखो ये रहा, यहाँ पे आ चुका है दाना, ये लोग को हम लोग दाना भी डाल देते हैं, क्योंकि ये लोग जो है सुबह से भूखे हुए हैं बेचारे, सुबह के टाइम पे बारिश हो रहा था तो दाना मैं इन लोग को नहीं डाल पाया था, नहीं तो पूरे ये लोग गीले गीले हो जाते। लो भाई अब आराम से खाओ, आओ आओ। ये भाई अंदर ही जो दाना आया हुआ है ना इसको खा रहा है, तो भाई तू अंदर क्या कर रहा है, जा आराम से बड़े कबूतरों के साथ में खा। और चेक भी कर लेते हैं कि भाई कोई कबूतर अंदर तो नहीं, वैसे तो अंदर नहीं होगा, नहीं है भाई, चलो ठीक है। और गाइस ये चेक करो भाई, पेटी के अंदर बिल्कुल सूखा, रात के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है उसके बाद भी थोड़ा भी पानी अंदर नहीं जाता है,
तो चलो ये भी सही है, जिससे कि अपने सभी के सभी कबूतर बिल्कुल सेफ रहते हैं। और गाइस ये जो है वही पट्टा है जो कि अभी थोड़ी देर पहले उड़ रहा था, मैंने आप लोग को बोला कि इसका अभी हम लोगों ने हाल में ही पर खोला है और अब जो है ये खुद का खुद उड़ना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखो ये रहा। और गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हम लोगों का फैंटेल कबूतर है। एंड आप सभी को तो याद होगा कि इसका टेल खराब हो गया था तो हम लोगों ने कट कर दिया था, लेकिन अभी जो है इसका टेल दोबारा से आ चुका है। तो ये देखो अभी ये जो है देखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जब हम लोगों ने इसका टेल काट दिया था तब जो एकदम छोटा सा इसका पूंछ हो गया था, बट अभी मस्त दिख रहा है भाई। ये देखो, ये देखो भाई, ये रहा। ठीक है, तो अभी जो है ये खाने में बिजी है, तो चलो और दाना डाल देते हैं, ये लोग जो है भर पेट आराम से खा लें। आओ आओ, चलो। जो काबरे कबूतर को हम लोगों ने डी मार्ट से छोड़ा था वो जो है खा पी के मस्ती में खुद का खुद उड़ गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि शाम के टाइम पे ये जो है खुद की मर्जी से दूर नहीं जाता, तो देखना अभी जो है ये अपने छत पे ही चक्कर लगाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दूर जाना होगा तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। बट यही अगर मैं सुबह के टाइम पर छोड़ूँ, ये सीधा सीधा निकल जाता है। ये देखो ये आके बैठ गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। सो गाइस अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, और चैनल पे नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। हम लोग जो है फिलहाल में 150 के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, और जैसे ही 150 के होगा तो हम लोग कोई नया कबूतर लेके आएंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छी से वीडियो में। तब तक के लिए बाय।